जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार जो दिल्ली और मुंबई के बीच मुकाबला खेला गया उसमें कैसे ऋषभ पंत, रोमन पॉवेल और अक्षर पटेल ने अंतिम कुछ ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल जीत लिया। उन सबकी बल्लेबाजी तो आपको दिखाएंगे ही, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच आईपीएल का 69वां मुकाबला खेला गया। तो दोस्तों इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि दोस्तों आप सभी जैसे कि देख सकते हो कि यहां पर जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई थी तो यहां पर दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे थे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, जहां ये दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीद लगाई जा रही थी ये अपना बेहतरीन फॉर्म एक बार फिर से जारी रखेंगे और इस मस्ट विन मुकाबले में जरूर जीत दिल्ली की टीम को दिलवाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सका। दरअसल यहां पर डेविड वार्नर 6 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर ही डेनियल सैम्स की गेंद पर जसप्रीत बुमराह को कैच थमा बैठे, जिसके चलते ये पहला बड़ा झटका दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगा। तो वहीं पहला विकेट गिर जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मिचेल मार्श, जहां मिचेल मार्श का भी बल्ला आज चला नहीं और वो भी पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह की रोहित शर्मा को अपना कैच थमा बैठे, जिसके चलते मार्च 0 रन पर ही पवेलियन लौटे हैं। और ऐसे में ये दो बड़े झटके मात्र 22 रन के कुल स्कोर पर ही लग जाना दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए बड़ा झटका था। और इस झटके से उबरने के लिए पृथ्वी शॉ ने हालांकि इस दौरान कुछ शॉट्स भी खेले और वो भी अपनी एक अच्छी शुरुआत को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट कर नहीं पाए। दरअसल दोस्तों जब पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीद थी ये थोड़ा सूझबूझ भरी पारी खेलेंगे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाकर जरूर दिल्ली की टीम को 100 के पार पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर पृथ्वी शॉ भी अपना विकेट सीधा ईशान किशन के हाथों में थंबा बैठे, जहां पर जसप्रीत बुमराह की खतरनाक बाउंसर को वह पढ़ नहीं पाए और पृथ्वी शॉ 23 गेंदों में 24 रन ही बना सके। और वहीं ये तीसरा विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर आए सरफराज खान, जहां सरफराज खान का भी बल्ला चला नहीं। जी हां दोस्तों, सरफराज खान ने इस दौरान बस मात्र 7 गेंदों में 10 रन ही बनाए। हालांकि उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक छक्का जरूर मारा था, लेकिन उनको मयंक मारकंडे ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया और ये बड़ा विकेट दिल्ली कैपिटल्स की टीम का गिरा और दिल्ली की टीम ने 4 विकेट बस मात्र 50 रन के स्कोर पर ही गवा दिए थे। और यहां से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ऋषभ पंत और रोमन पॉवेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर जरूर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे और ऐसा ही ये दोनों बल्लेबाज आज अपनी पारी में प्रदर्शन करते हुए दिखाते हुए भी नजर आए। जी हां दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत और रोमन पॉवेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम, क्योंकि यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक छोर पर टिककर काफी शानदार बल्लेबाजी की। जहां एक तरफ रोमन पॉवेल छक्कों पे छक्के जड़े जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत धीमे पारी को बढ़ा रहे थे। और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आज के इस मुकाबले में बस मात्र 13 ओवर के भीतर ही भीतर 100 रन का आंकड़ा पार किया और रोमन पॉवेल इस दौरान टिके हुए थे मैदान पर और फिर आगे ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहता हुआ हम सभी को नजर आया। तो ऐसे में अगर हम बात करें मुंबई की गेंदबाजी की तो मुंबई की गेंदबाजी में आज जसप्रीत बुमराह को 2 बड़ी सफलताएं 2 ओवर में ही मिल चुकी थी। तो मयंक मारकंडे को 3 ओवर में 1 विकेट मिला था और डेनियल सैम्स को 2 ओवर में 1 विकेट। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी की क्या राय है आज का ये रोमांचक मैच देखने के बाद? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।